और अब देश की राजनीति को गरमाने वाली बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका से भारत की जो ड्रोन डील हुई है उस पर कांग्रेस पार्टी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, MQ-9 ड्रोन खरीद मामले में हेरा फेरी हुई है, ये कहना है कांग्रेस का। ड्रोन सौदा 25,000 करोड़ का घोटाला है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है 4 गुना ज्यादा कीमत पर सौदा किया गया है MQ-9 रीपर ड्रोन्स का। CCS की बैठक के बिना ही इस रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी गई, ये सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी। टेंडर हुआ नहीं, कहते हैं G2G है। अगर ये G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, तो क्या अमेरिकन गवर्नमेंट जनरल एटॉमिक्स से ये खरीद रही है तो हमें बताया जाए कितने में खरीद रही है और हमें कितने में बेच रही है, या भारत सरकार सीधे जनरल एटॉमिक्स से खरीद रही है, हमें इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। हर स्तर पे पारदर्शिता की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने अपनी प्रेस रिलीज में आपको बताया कि किस देश ने कितने में यह एक ड्रोन खरीदा और हम कितने में खरीद रहे हैं। $110 मिलियन में हम खरीद रहे हैं, तो साफ साफ है कि 4 गुना ज्यादा कीमत हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हम, किसको ये कीमत दे रहे हैं, कंपनी को डायरेक्टली दे रहे हैं तो टेंडर क्यों नहीं हुआ, और अगर हम अमेरिकन सरकार को दे रहे हैं तो अमेरिकन सरकार ने जनरल एटॉमिक्स से खुद जब खरीदा था तो 55 करोड़ में खरीदा, 56.5 करोड़ में खरीदा था, $56.5 मिलियन में खरीदा था, हम इसका डबल दे रहे हैं लगभग। तो ये सब सवाल सीधा सीधा जवाब देते हैं कि साहब कुछ घपला है, बड़ा घपला है, 25,000 करोड़ का घपला है और हमारे देश के एक नामी गिरामी वरिष्ठ व्यक्ति उसमें शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, ड्रोन खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी की तरफ से जवाब का इंतजार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।